मुझे बाशी से विनती है कि आप पूज्य रामदेव जी का स्वागत और सम्मान करें। रात तक लाखों लोगों को सुबह सुबह जाग करके स्वस्थ जीवन के प्रति गति करने में रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सब स्वास्थ्य के प्रति गति भी कर रहे हैं। अब मैं सादर करजोड़ विनती करता हूं पूज्य रामदेव जी महाराज से, आप यहां पर आकर के अपने आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य रामदेव जी महाराज जी, महाकुंभ का पर्व चल रहा है, गंगा और यमुना का संगम होता है तो त्रिवेणी बनती है, क्योंकि सरस्वती तो वो ज्ञान रूप है और ज्ञान ब्रह्म रूप है, वो अदृश्य ही रहता है। इसलिए सरस्वती को किसी ने देखा नहीं है, वह भाव प्रधान है। एक कुंभ एक संगम जिसमें लगभग 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, वो प्रयागराज इलाहाबाद में, और दूसरा दो भारत की महान विभूतियों का, पूज्य बापूश्री का, पूज्य भाईश्री का दिव्य संगम इस पोरबंदर की धरा पर। यह तो इस भारतीय मनीषा में 1,96,08,13,113 वर्षों से कोटि कोटि ऋषि मुनि हुए, और हमें अपनी उस पावनी सनातन आर्ष संस्कृति पर, अपने उस ऋषि परंपरा पर, देव संस्कृति पर गर्व है, स्वाभिमान है। और जैसे युगों युगों से भगवान राम कृष्ण शिव गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि भृगु अत्रि वशिष्ठ आर्यभट्ट, और उस सनातन परंपरा में ही वर्तमान में हम महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद, पूज्य बापू विनोबा जी, और संतों की फकीरों की एक बहुत पावनी परंपरा, अध्यात्म धर्मा ऋषि ऋषिकाओं और क्रांति धर्मा वीर वीरांगनाओं की है, और उसी हमारी ऋषि संस्कृति के प्रतिरूप, उसके संरक्षक, उसके संवर्धक। ऋषियों का जीवन कैसा था इसको हमें इतिहास में पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हमारे सामने दिखता है। ऋषियों का जीवन ऐसा ही था जैसा जीवन बापू का है, जैसा जीवन भाई श्री का है। और ऐसे ऋषि स्वरूप महापुरुषों का दर्शन एक साथ हमें उपलब्ध होता है, तो जैसे कहते हैं कि अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब कोई संगम में स्नान करने का सौभाग्य पाता है, तो आप सब
बधाज भाइयों ने अने बहनों ने मारू खूब खूब वंदन प्रणाम कि आप बधाए आज आ संगम में ज्ञान रूपी स्नान करो छो अने ए सौभाग्य मैंने पण अहीं मळ्युं छे। पूज्य भाई श्री मैंने कीधु कि समझी आप ने आवानुं छे। मैंने कीधु कि क्यारे केम के आपणे एक कथा राखी छे बापूश्रीनी, ए पण अद्भुत प्रसंग छे। आखा विश्वमां पूज्य भाई श्रीनी एक खूब ज मोटी प्रतिष्ठा छे। एक मोटा संत बीजा मोटा संत ने आत्मस्वरूप स्वीकार करे अने ज्यां द्वैत मटी जाए अद्वैत भाव प्रकट थाय एवी दिव्य स्थली आ बनी गई छे संदीपनी आ तीर्थ आ धाम, जहां पर कोई संत तप करता है, जहां यज्ञ होता है, जहां गोमाता की सेवा होती है, वो स्थान धाम बन जाता है। आज इस महाधाम में आप राम कथा के माध्यम से उन महापुरुषों के चरित्र को सुनते सुनते अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं और एक एक श्वास में राम का स्मरण करते हुए। हम तो योग की परंपरा के विद्यार्थी हैं, साधक हैं, श्वासों के साथ समाहित होते हैं हमारे इष्ट देव हमारे भीतर। इसको ध्यान की प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अभी कपालभाति अनुलोम विलोम सिखाने का वक्त है नहीं और वो आप सीखे हुए हैं। सीखे हुए तो है लेकिन जिनको मैं कुर्सियों पर बैठता देख रहा हूं इनके थोड़े पेट थोड़े मोटे हैं और जितने मोटे हैं उतने खोटे हैं। मन से नहीं तो तन से जरूर है, तन भी सवार के रखना चाहिए, यह भगवान का प्रसाद है। यह देह देवालय शिवालय है और इसी भाव में अपने को जीना चाहिए। गृहस्थाश्रम में भी पति पत्नी को देह रूप में न देख करके उनको देह के देव को देवालय के रूप में देखने का अभ्यास ही नहीं करना चाहिए, यह यथार्थ है। देखो एक है सामान्य सत्य जो हमें दिखता है। सामान्य सत्य यह है कि मैं यहां खड़ा हूं, पूज्य बापू व्यासपीठ पर विराजमान है, पूज्य भाई श्री मेरे सम्मुख विराजमान है, हमारे पूज्य श्रद्धे वंदनीय पूज्य संतगण मेरे सम्मुख विराजमान है। दिखने में यह द्वैत दिखता है, इसको बोलते भौतिक सत्य, सामान्य सत्य। ये व्यवहारिक सत्य, भौतिक व्यवहार में दिखने वाला सत्य। लेकिन एक है अखंड नित्य शाश्वत सत्य, और भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में बस यही एक छोटी सी दीवार है। ये दीवार ढह जाती है तो फिर सारा भ्रम मिट जाता है। पति पत्नी दो रूप है, वो वासना के लिए नहीं वो उपासना के लिए है। एक दूसरे का सामिप्य वो भोग के लिए नहीं है, वो योग के लिए है। और दोनों का मिलन वह किसी वासना की तृप्ति के लिए नहीं अपितु सृजन के लिए। मानो वह भागवती सत्ता ही माता और पिता का रूप लेकर के एक नई संतति को जन्म देती है और वही भागवत सत्ता गुरु का रूप धारण करके हमको ज्ञान देकर के हमें दूसरा जन्म देती है। यह सृष्टि क्रम को बढ़ाने का एक ईश्वरीय विधान है, उस विधाता का यह अनुग्रह है, उसकी कृपा है और उसके विधान के अनुसार ही ये सारा संसार ये सारा ब्रह्मांड आगे बढ़ रहा है। मैं कह रहा था एक ये सामान्य सत्य है जो हमको दिखता है, एक अखंड नित्य शाश्वत भागवत सत्य है और उस सत्य का हमें अनुभव हो जाए तो समझना आपकी साधना पूर्ण हुई, तो समझना आपकी कथा सुनने का फल आपको मिला कि अब द्वैत मिट गया है। अब सब रूपों के पीछे वही ब्रह्म रूप दिखाई देता है, राम का रूप ही दिखाई देता है, सब में कृष्ण का रूप ही दिखाई देता है। और यह भाव भीतर तक कितना समाहित हो जाए कि सब मूर्तों में उस अमूर्त का ही दर्शन हो तो फिर गृहस्थाश्रम हमारे लिए बाधा नहीं रह जाता है। अपवाद रूप में कुछ संत हुए हैं जो इस श्रेय मार्ग के ऊपर चल करके
इस त्याग के मार्ग पर चल करके उन्होंने उस ब्रह्म तत्व की खोज की। ये श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ये भी दोनों का जो गंतव्य हो तो एक ही है, तो हमारे जीवन में ये सारे भेद मिट जाएं और सब में हम उसी ब्रह्म के रूप को देखें, सब माताओं को अपनी पत्नी सहित सभी जितने भी स्त्री रूपों में माताएं हैं उन सबको हम भगवती के रूप में देखें और सब पुरुषों को भी हम भगवत स्वरूप जाने। और यह सत्य है कि हम उसी शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, यही मैं कह रहा था, अखंड नित्य शाश्वत सत्य है। और यह सत्य 24 घंटा हम जीने लगे एक एक श्वास के साथ, जितनी देर आप कथा सुनते भिन्न भिन्न प्रसंग उसी अनंत की ओर आपको लेकर के जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर के प्रति मोह भाव छूटे। कर्तव्य भाव तो रहेगा, मैंने कहा शरीर को संवार के रखना है, क्योंकि भगवान का उपहार है ये, इसका तिरस्कार करना इसका अनादर करना ये भी उस भगवान के विधान के विरुद्ध होगा। मनुष्य का जन्म एक तो मां की कोख से होता है, ये तो सबने देखा ही, आत्मविज्ञान ने पहले क्लोनिंग के द्वारा डोली नाम की एक भेड़ को बनाए, फिर मनुष्य की उत्पत्ति क्लोन से हो सकती, ये तो वैज्ञानिक सत्य है। स्टेम सेल से भी इंसान को बना दिया, वो जो है वो विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं इसके पीछे बात ये कहना चाहता हूं, ये जो शरीर है इसकी कीमत कितनी, एक मनुष्य के शरीर की कोई कीमत लगाए, बात कोशिश की, किसी ने कहा 4 करोड़, किसी ने कहा नहीं। अब हमारे यहां पर तो बैठे हैं ऐसे परिवारों के लोग भी बैठे हैं, अब धीरू भाई अंबानी का भी तो एक ही शरीर था ऐसा ही, उसने पुरुषार्थ करके भगवान के अनुग्रह से हजारों नहीं आज तो बच्चों ने लाखों करोड़ की दौलत आर्थिक साम्राज्य अपना वैभव खड़ा किया, तो किससे, शरीर से। शरीर में एक हमारा भौतिक अस्तित्व, एक हमारा ये बौद्धिक अस्तित्व है, और इसकी तुलना हम पैसे में कर ही नहीं सकते, इतना अपरिमित सामर्थ्य उस प्रभु ने हमको दिया है। तो इस शरीर को योग के द्वारा संवार के रखना और श्वासों के द्वारा उस भगवत सत्ता से हमारा नित्य अखंड संबंध स्थापित हो जाए, एक एक श्वास हम उसको जिए। तो मैं आपको एक ध्यान की विधि में कह रहा था, इतना सा कहना चाहूंगा संकेत रूप में, हमारे यहां परंपरा में बोला जाता था बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से काम करना, हर परंपरा के पीछे ध्यान जुड़ा हुआ था। दुर्भाग्य से ये ध्यान हट गया हमारा, ध्यानावस्थित होकर के यदि हम खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करें, संसार का व्यवहार करें, ध्यानावस्थित होकर के हम कथा सुने, माना कि यहां पर 25-50 हजार लाख आदमी बैठते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन आप इतने निमग्न हैं गुरु शिष्य की पावनी परंपरा में, एक दूसरे के साथ संबद्ध हो गए कि आपको यह एहसास ही नहीं रहा कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम अन्य साधनत्वात्, सब कुछ है लेकिन आप उसमें खो गए, अनंत में समाहित हो गए। सियारा ममई सब जग जानी, बस आपके भीतर तो वही वही है, बस एक एक श्वास के साथ। मैं हिमालय के एक बहुत ऊंचे योगी है स्वामी वेदा भारती जी, तो मुझसे कहने लगे बाबा जी आप योग का ये सब संदेश तो दे रहे हो, इस ध्यान के बारे में भी लोगों को और जागरूक करो, बहुत जरूरी है, इसी के ना होने से हमारे मन में तनाव है, गुस्सा है, प्रतिक्रियाएं हैं, थोड़ी सी कोई बात हो जाती तो इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया। अरे इन पेड़ों को देखो, कितने पंछी उनके ऊपर विष्ठा करते हैं, कितने लोग बेहरे में से उनको तोड़ देते हैं, कभी सर्दी के, कभी गर्मी के, कभी बरसात के वो थपेड़े झेलते हैं, कितनी क्रूरता होती है उनके साथ, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं करते। ये मनुष्य जो है छोटी छोटी बातों से इतनी इसके भीतर प्रतिक्रिया होती है कि अपना आपा खो बैठता है,
तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक तो ये प्रार्थना करूंगा कि आप सुबह चारपाई पर उठने से पहले श्वासों के साथ अपना जो भी इष्ट देव है, तुम राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, हनुमान भक्त हो, ओंकार की उपासना करते हो, साकार की निराकार की, श्वासों के साथ अपने प्राणों में ब्रह्मरंध्र से लेकर के सहस्रार से लेकर के पैर तक, एड़ी से लेकर चोटी तक, प्राण के माध्यम से उसी की शक्ति और ज्योति को अपने भीतर समाहित करके फिर आप काम करना। ये तो मुझे आपको आज ध्यान के संदर्भ में कहना था। और आप कथा भी सुने तो इसी भाव से सुने, क्योंकि आज मैं भी आपके साथ सुनने वाला हूं। एक एक श्वास के साथ वो राम तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए। और मैं तो कहता हूं कथा जो है कितने दिनों में रूपांतरण करेगी आपका वक्त अगले क्षण का, किसको क्या भरोसा। आज आप यहां से जब उठ के जाएं तो आप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के और भगवती सीता के रूप बनकर के ही उठ करके जाएं, और फिर वो रूप हमारा बाधित ना हो, वो अखंड बना रहे, यही अखंड शाश्वत नित्य ब्रह्म की उपासना। वक्त मेरा पूरा हो गया, मेरा मीन्स अभी तो मुझे जिंदा रहना है कुछ दिन, थोड़ा देश का काम करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रश्न है। करीब 1 करोड़ गौ माता की कत्ल होता है हर वर्ष भारत में। हर सुबह उठते उठते करीब 30,000 गायों का कत्ल हो जाता है। करीब 1 करोड़ गोवंश को बांग्लादेश भेज दिया जाता है कत्ल के लिए। सरकारी आंकड़े हैं जो उनकी मिनिस्ट्री से मैंने निकाले। देश का जल, जंगल, जमीन सब कुछ नीलाम हो गया है। इतना हमारा वो महान भारत, अखंड भारत, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के वर्मा तक, मंगोलिया, तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया तक, आज वो खंड खंड हुआ। और देश की हालात ये, जिसके मैं बारे में बार बार आपको व्यथित होकर के, पूज्य बापू कहते हैं कि उग्रता का प्रश्न नहीं, कि व्यग्रता रहती, एक व्याकुलता रहती है, एक करुणा उठती है कि मेरा जब मैं भारत का अतीत देखता हूँ तो बहुत गर्व होता है, और वर्तमान में जिस दुर्दशा से अपने भारत को गुजरते हुए देखता हूँ, कहीं जो है गोहत्या, गंगा की, जमुना की समस्या, करीब 250 जिले नक्सलवाद के खून से लथपथ, एक सुदामा यहाँ जिसका उद्धार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने किया, आज 84 करोड़ सुदामा है हमारे देश में। ये यथार्थ, इसको नकार नहीं सकते। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के ये आंकड़े हैं। जब मैंने, आज जो राष्ट्रपति बन चुके हैं आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब, मैंने जब उनके सामने कहा, बोले स्वामी जी ऐसे आंकड़े तो मैंने तो नहीं पढ़े। मैंने कहा नहीं पढ़े तो आज जाकर के पढ़ लेना। 84 करोड़ लोग इस देश में, उनको पूरा भोजन नहीं मिलता, उनको कहते हैं हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन के शिकार है। और हर दिन 20-30 हजार तो गायों की मौत होती है कत्ल करके, 20,000 लोग अपने देश में भूख से मरते हैं। ये यथार्थ है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो कितनी पीड़ा होती है अपने देश में। अपार सामर्थ्य, भारत जैसा महान देश, भारत जैसा प्रज्ञावान देश, भारत जैसा युवान देश, और भारत जैसा महान चरित्रवान देश पूरी दुनिया में कोई नहीं, और उसमें हम पैदा हुए, हमारा सौभाग्य है। देखो यो तो सारे ही, ये पूरा ब्रह्मांड उस भगवान का ही अनुग्रह से उत्पन्न हुआ, लेकिन इस ब्रह्मांड में इस भारत का स्थान विशेष है। ये भगवान का विधान है, कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कि हम इसमें पैदा हुए, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस देश को भी बचाना, ये हमारे अध्यात्म धर्म के साथ, अपने संन्यास धर्म के साथ, स्वधर्म के साथ, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, और वह भी उतना ही पावन है। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, क्योंकि हम सब यहां, मैंने कहा कि अपने भीतर उसी अपनी पावनी परंपरा को, अपनी उसी भगवत्ता को, जिस शाश्वत के हम प्रतिनिधि हैं, हम अमृत पुत्र हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, हम भारत माता की संतान हैं, बस उस दिव्यता को, उसकी योग्यता को, उसकी पात्रता को अपने भीतर पैदा करने के लिए, महान संतों का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं एक बार पुनः पूज्य बापू श्री
जो हमसे गुरु तुल्य पिता तुल्य स्नेह करते हैं, और पूज्य भाई श्री, मैं तो मेरा एक, मुझे तो दोनों से एक लाभ है, एक तरफ मेरे बड़े भाई हैं, दूसरी तरफ मेरे पिता स्वरूप बापू हैं, इसलिए मैं तो आनंद में हूँ। और इनकी निष्ठा में आज इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है, उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कि माना कि चाहे कितने ही संकट के बादल हों, कितना ही घनघोर अंधेरा हो, कितना ही निराशा का वातावरण देश में बना हो, लेकिन फिर भी हमें आशा है, विश्वास है, अपने महापुरुषों का जो पुण्य है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने एक परम वैभवशाली राष्ट्र पुनः बनाएंगे और फिर से इस भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठाएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इसी संकल्प के साथ दो शब्द प्रार्थना के बोलता हुआ पूज्य बापू को फिर आपके, क्योंकि बीच में हम बाधा तो कोई है ही नहीं, सब उस भगवान का विधान मात्र है, आइए दो शब्द मेरे साथ बोल लेंगे प्रार्थना के। प्रभु जी इतनी से दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी से दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ हो रे भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ हो रे भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार। सब बोले, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो रे, तुम करुणा के करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले। एक बूंद हमें, प्रभु जी इतनी से दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी से दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। मन मंदिर में दातार मिले, मन मंदिर में दातार मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, हर हर महादेव।